मेहमल, अदालती कार्रवाई की जिस तरह से भट्टी साहब ने बात की, आपको लगता है चीफ जस्टिस इस पे आज खुद नोटिस लेंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए नीलम, पहले तो ऑप्शन तो इसके अंदर जो आज का वाकया हुआ है इसमें तो वकला के अलावा और कोई बनता ही नहीं कि जिसके ऊपर आप वो करें। देखिए, एक उन्होंने अस्पताल पे हमला किया, जंग में भी अस्पतालों पे हमले नहीं करते। दो मुल्क जो जंग आपस में लड़ रहे हो वो भी किसी के अस्पताल पे हमला नहीं करते। ये तो वकला का और यंग डॉक्टर से एक छोटी सी लड़ाई थी जिसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ ये कि जाने ली, आप पीआईसी की इस वक्त हालत देखें, वो वैसे ही उनके फंड्स कम होते हैं, बड़ी लंबी लंबी वहां लाइनें होती हैं, बाईपास होने में बड़ा टाइम लगता है, गरीबों के लिए है वो तबाह कर दिया, पता नहीं कितना अर्सा लगेगा उसको दोबारा से ठीक होने में। फिर इन्होंने जो फयाजुल हसन चौहान साहब को जब इन्होंने मारा तो इन्होंने उनकी औरतों को गालियां दी, मतलब उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनकी बीवी को, उनकी बेटी को, जिससे लड़ाई हो रही है उसको गाली दो ना फिर, अगर इतनी तुम्हें जुर्रत है जिसको मार रहे हो तो उसकी औरतों तक क्यों पहुंचे या उसके खानदान तक क्यों पहुंचे? अपनी इनकी जुबानें देखें आप, सुने आप उस क्लिप्स में इनकी जुबानें। फिर एक और चीज ये है कि देखिए, ये जो मामला था ये आज से शुरू नहीं हुआ था। इसमें थोड़ी सी चीज मैं ये जरूर कहूंगी कि ये राजा बिशारत साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो वजीर सेहत है पंजाब की, इनको पता था ये मामला चल रहा है। ये मामलात ऐसे होते हैं पहले भी, तो पहले ही अगर बैठ के ये मामला रफा दफा करा लिया जाता, बार के लीडर वकीलों की लीडरशिप को बुला लिया जाता, यंग डॉक्टर्स की लीडरशिप को बुला लिया जाता, बिठा के मामला तय कर लेते। क्या इन्हें नहीं नजर आ रहा था कि जब उन्होंने मार्च करनी शुरू की जेल रोड माल रोड से, वो जेल रोड की तरफ आ रहे थे, किसी को नजर नहीं आया? मिस हैंडलिंग हुई है पुलिस से, तो उस वक्त पुलिस को समझ नहीं आई। देखिए, वकला से सब डरते हैं, ये ऐसे ही है, ये तरीके लबैक हो, अगर वो आ जाएंगे उनके पास भी यूज ऑफ फोर्स वो कर सकते हैं। वकला भी एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, वो भी आपने आज देखा कि वो डंडे लेकर और इस तरीके से वो किस तरह से आगे भी लगा रहे थे पुलिस के व्हीकल्स को। फिर आप उसके अलावा अगर देख ले, यंग डॉक्टर्स भी इस तरह कर सकते हैं। ये अगर लेडी हेल्थ वर्कर्स होती या ये ब्लाइंड प्रोटेस्टर्स होते तो उनके ऊपर तो इनको छड़ियां चलाने में या पहले ही रोक देने में, कि इससे पहले कि वो कोई इतना बड़ा डैमेज करते, रोक लेती पुलिस, लेकिन इनको नहीं रोकते। ये भी फिर एक चीज हम मैसेज क्या हमारी अथॉरिटीज दे रही हैं कि अगर आपके हाथ में डंडा है, अगर आप वायलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम नहीं आपको रोकेंगे, फिर आप कल कलाको किसी और को भी मार लें। आज इतना बड़ा वाकया हो गया, मतलब कि ये इतना शर्मनाक और इतना, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन इसके अंदर मैं ये बात आपको बता दूं कि नीलम, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। एफआईआर जो दर्ज भी होंगी कल को, वो कोर्ट्स जो है वो छुड़वा भी देंगी इसके अंदर, क्योंकि देखिए एक स्ट्रक्चरल मसला है ना। अगर आप बार एसोसिएशन आज कंडेम भी कर दें, लेकिन कल उन्हीं बार के लोगों ने वोट लेने इन्हीं वकला के पास जाने, तो जाहिर बात है वो डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ तो नहीं लेंगे, ये तो हमारी अथॉरिटी नहीं है, तो पुलिस ने करना है। लेकिन पुलिस भी जब अदालतें ही नहीं कुछ करेंगी तो वो क्या कर सकेंगे? आपको मैं मिसाल देती चलूँ कि जब मुल्तान बार का एक मसला हुआ था और उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हुआ था, उसमें एंड पे बार वाले जीत गए, मंसूर जज नहीं जीते जो कि चीफ जस्टिस थे उस वक्त फॉर हाईकोर्ट के। तो मतलब कि ये आप देखें कि इनकी पावर कितनी होती है इसमें। हाँ, एक मैं छोटी सी चीज जरूर कहनी चाहूंगी कि देखिए, वकील ये हुआ था, ये जो मुशर्रफ के खिलाफ लॉयर्स मूवमेंट जो चली थी उसके बाद से वकला तहरीक जो चली, उन्होंने इनको इतना मुनज्जम और इतना पावरफुल कर दिया कि उससे इनको लगता है कि नाउ दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग बिकॉज दे आर सो पावरफुल एंड यूनाइटेड। तंजीम साजी तो इनकी है ना, मतलब आज से बाला समझने लगे हैं, कानून से भी बाला तर समझने लगे। दूसरा ये उन्हें कि हम मुनज्जम है, क्योंकि देखिए अगर आप आज मैं 10 इंजीनियर्स को ढूंढने जाऊँ वो इतनी बड़ी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, या 10 अकाउंटेंट्स को लाहौर में, वकीलों का तो हमें पता है ना वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठ के वो सारे मामला तय करते हैं। ये यंग जो सारे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं बाय द वे कि जिनके पास नौकरियां नहीं है लेकिन उनके पास एक जगह है बैठने की, उनके पास एक लाहौर हाईकोर्ट है या बार है, वो वहां जाके वो बैठते हैं, आपस में तय करते हैं चीजें। तो इसके अंदर एक्चुअली इनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए और अदालतों को इसके अंदर उससे बढ़कर एक्चुअली उन्हें कानून की पासदारी करनी चाहिए और अपने लोगों को, अपने ग्रोह को बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी तरह माफिया बनते हैं। वैसे तो हमें जज साहिबान सिसिलियन माफिया की एग्जांपल्स देते हैं, अगर वो वकला के माफिया को भी थोड़ा सा इसके अंदर जो है इसके ऊपर सख्त एक्शन ले, क्योंकि देखिए डेथ्स के अलावा बात है कि जो उन्होंने नुकसान किया है अगले पेशेंट्स के लिए, इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम लगेगा। ठीक है मेहमल, बड़े अफसोस से मेहमल ने ये बात है कि चूँकि माजी की मिसालें ऐसी हमारे सामने मौजूद हैं कि JITs भी बनती हैं, तहकीकाती कमीशन भी बनते हैं, लेकिन कोई ऐसे मामले पे वकला के खिलाफ कभी हमने कार्रवाई नहीं देखी। तमाम हमारे तजिया कारों ने इस पर वकला को ऑप्शन लिया है।